सारी बैंक्यूट लतीफात में बरोज़ जुमा ब्रॉस जापान ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर सैयद रेहान अली की जानिब से अजीमुशान महफिल जिक्र व दुआ और इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ रूहानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद जमील ऐवान साहब थे। हैदराबाद और कराची के मारूफ तालीमी सियासी जिले इंतजामी के अफसरान और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मेंबर सूबाई वही कौमी असम्बली के अलावा समाजी रहनुमा अनीसा सिद्दीकी ने भी शिरकत की। महफिल में जिक्र इलाही दुरूद पाक नात पेश की गई। मदीना मुनवरा से बराह रास्त मनाजिर और दुरूद व सलाम ने हर शख्स पर रक्त तारी कर दी। इंजीनियर मोहम्मद जमील ऐवान ने अपने बयान में द कुरानिक एंड प्रेयर्स थेरेपी का तारुफ पेश करते हुए कहा कि यह तरीका इलाज कामयाब तरीन इलाज है जिसमें कुरान पाक की मौजजाती आयात शिफा से लातादाद लोग शिफायाब हो चुके हैं। इफ्तार से कबल इंजीनियर मोहम्मद जमील ऐवान ने अपने खसूसी अंदाज में इज्तमाही दुआ करवाई। दुआ ने महफिल में शरीक हर शख्स पर रूहानी कैफियत तारी कर दी और हर आँख अश्क बार होकर अपने खालिक हकीकत से सरापाए दुआ नजर आया। दुआ के बाद पुरतकल्लुफ इफ्तार और अशिया का भी एहतमाम किया गया। जब हम इस दुनिया में आए थे ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम पैदा होते हैं तो हमारे तन पर कपड़े भी नहीं होते, ना कोई पैसा दौलत, कोई बैंक बैलेंस, ना अकाउंट खुलता है हमारा। पैदा जो बच्चा होता है उसका अकाउंट भी कोई नहीं खुलता। तो ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ने फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। और तवक्कुल है ही यही कि आप अपनी अकल को बीच में दखल अंदाजी ना करें। आज भी हमने जो इंतज़ाम किया था बहुत मतलब वही हमेशा की तरह हुआ कि डबल से ज़्यादा लोग इसमें आ गए। तो अखराजात अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह ताला ही पूरा करता है, मतलब मेरी तो कोई औकात नहीं है इसमें। और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग उसमें सैयद रेहान अली साहब, सारी बैंक्वेट एक बहुत बड़ा नाम, ब्रॉस जापान के डायरेक्टर, यानी वो तो इंटरनेशनल आदमी है ना। तो आप देखें कि वो भी इस दुआ में या इस जिक्र का उनको एक शौक हो गया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी सैयद रेहान अली को, डायरेक्टर ब्रॉस जापान, हज़रत मौलाना जमील ऐवान साहब, जिनकी दुआएं इतनी पुरनूर होती हैं कि महफिल में रौनक आ जाती है। और माशाल्लाह लोगों की तादाद जो उनकी दुआओं की इस महफिल को सुनने के लिए हाजिर होते हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मिली जुली काविश थी कि आज रोज़ा अफ्तारी के साथ साथ इन ताक रातों में दुआ इज्तमाई खुसूसी दुआ करवाई जाए, जो कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए करवाई गई। और बल्कि पाकिस्तान में से बाहर ओवरसीज़ में रहने वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं सबके लिए दुआ करवाई गई। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फंक्शन था जो ऑर्गेनाइज हुआ है। और सोशल गैदरिंग के अलावा जो है इनका बयान है, मैंने तो थोड़ा मिस किया है, लेकिन मुझे पता चला कि माशाल्लाह बहुत प्यारा बयान दिया है इन्होंने यहाँ पे। सर, सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मोहतरम जनाब इंजीनियर जमील ऐवान साहब को, कि जिन्होंने एक बेड़ा उठाया है कुरान पाक के हवाले से। और QPT के नाम से जो इदारा आप लेकर चल रहे हैं और जिसका मतलब नज़र दुआ है, और दुआ आपकी वजह शोहरत है, और यकीनन दुआ इबादतों का मकसद हुआ करती है। और इंजीनियर जमील ऐवान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस खूबसूरत से एहतमाम पर। रेहान साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो अंजाम दिया है। एक तो दुआ जो है इनके पास जो जमील साहब करते हैं, इतनी बेहतरीन दुआ होती है ना कि ना रोते हुए भी जो है इंसान रोज पड़ता है वो, और इतने दिल से वो दुआ करते हैं। और ये वो ना सिर्फ जो है गरीबों की मदद करते हैं रेहान साहब, बल्कि जो अपने हल्का अहबाब जो है उनके हकूक़ भी अदा करते हैं, और उनको सब गैदरिंग करके और दुआ में शामिल करके जो है वो इस कार्य सवाब का जो है वो सवाब कमाते हैं।